बाड़मेर की घटना ने एक तरीके से उसके बाद में जयपुर से लेकर जोधपुर तक पूरा मामला अभी तक क्या जानकारी आप लोगों को डिटेल बता दिया होगा ना, एसपी और आईजी दोनों से आप लोगों ने बात करी। और मेरे पास कुछ ज़्यादा इसके बारे में कहने को इन दोनों ने आपको बता दिया। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो घटना हुई है वो उसके संबंध में FIR जैसे पुलिस को सूचना मिली है उसके तो भाई ने मुराद खान जी ने FIR दी, FIR दर्ज कर लिया। दर्ज करने के बाद जो नामजद की मुलजिम थे उसमें से दो मोती सिंह और इंगलाज को गिरफ्तार कर लिया। शेष मुलजिम जो बचे हुए उसकी तलाश जारी है और इसमें और भी किसी तरह की कोई बात आएगी, किसी और की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। सर पीड़ित से भी आज अभी अभी आपकी पीड़ित से बात हुई है। अभी जो वो पीड़ित ने जो जो भी जैसी भी बात कही है उसको दर्ज कर लिया गया, उसकी तस्दीक कर रहे हैं, उसके लिए मेडिकल कराएंगे, जितने तरह के एविडेंस हैं उसको क्रॉस एग्जामिन किए जाएंगे। क्रॉस एग्जामिन करने के बाद इसमें सर इस तरीके की घटनाएं होती है क्या संदेश देना चाहते हैं कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार है? नहीं नहीं, बिल्कुल कानून लाने का अधिकार नहीं है। रुक सिंह थोड़ी सी रूल ऑफ लॉ अपने देश में है, पुलिस कार्रवाई करती है, किसी के साथ कोई घटना हुई तो तुरंत पुलिस माना चाहिए था और इनको भी तुरंत पुलिस माना चाहिए था। ये देर हुई, देर होने के बावजूद भी हम पुलिस गंभीर है, इसमें सभी तरह के सवाल उठाए जाएंगे और गंभीर से गंभीर कार्रवाई की जाएगी। सर शुरुआत में पुलिस कर्मियों की जो भूमिका रही वो गलत रही, इसी वजह से उनको सस्पेंड किया गया है। तो देखिए वो 4 तारीख की घटना को लेकर परिवाद आया था, उसमें निश्चित रूप से पुलिस की जो है लापरवाही पाई जाने के बाद एसपी साहब ने अंतरिम जांच करके तुरंत उसमें कार्रवाई की। उसमें जो भी परिवाद आया था पुलिस को उसकी तस्दीक करनी थी तो मामले का खुलासा तुरंत हो जाता, पीछे की बातें भी आ जाती, उस घटना उस दिन की घटना का भी पता चल जाता और 4 दिन पहले जो घटना हुई थी उसका भी पता चल जाता। सर लोहे वाली बात में कुछ सच्चाई है? अभी जांच चल रही है, बाकी चीज़ों के बारे में जैसे घटनाक्रम आगे आएगा हम आपको ब्रीफ। अंतिम सवाल सर, हम यहीं पर FIR का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टिगेट करने का मुद्दा होता वो रोड था और प्रदेश सरकार से अभी बता देंगे, अभी बता देंगे, बता देंगे। आज सफलता मिली और शाम के लगभग पीड़ित बाड़मेर पुलिस के पास था और उसके अनुसंधान के दौरान IO के द्वारा बयान लिखे जा चुके हैं और उन बयानों की वीडियोग्राफी भी कराई जा चुकी है। साथ ही में जो उसका जो मेडिकल की प्रक्रिया है वो मेडिकल की प्रक्रिया बाड़मेर सरकारी चिकित्सालय में चल रही है, जो शायद थोड़ी देर में पूर्ण होगी। सर क्या एक्शन लिया गया अब तक इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में 2 मुलजिम गिरफ्तार हैं, आपको पता है FIR में नामजद 3 मुलजिम थे, 2 गिरफ्तार हो चुके, एक की अभी तलाश बाड़मेर पुलिस को है, उसके लिए टीमें लगी हुई, हम अतिशीघ्र उसमें भी कामयाब होंगे उसको गिरफ्तार करने के लिए। सस्पेंड भी कुछ ये इस घटना के अलावा 4 तारीख को 4 फरवरी को जो पीड़ित है इसके अंदर उसके खिलाफ जो आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया है मोती सिंह के द्वारा एक शिकायत लिखित में बिशला चौकी प्रभारी को हाकम सिंह को दी गई थी। ये तथ्य कल देर रात पता चलने पर मेरे द्वारा CO बाड़मेर से पूरी जांच करने के बाबत खोला गया था। आज उन्होंने मेरे को दोपहर में उसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करी और उसके अंदर वो जो कागज़ उन्हें प्राप्त हुआ था पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार उनको तत्काल ही उसको इन्वर्ट करना था और चाहे परिवाद में दर्ज करते या मुकदमे में दर्ज करते जैसी भी स्थिति थी और उसकी कोई जांच की प्रक्रिया होनी चाहिए थी जो हाकम सिंह हेड कांस्टेबल के द्वारा नहीं की गई। और ये तथ्य 2 कांस्टेबल को भी पता था, ये फैक्ट आते ही मेरे द्वारा हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल जो बिशला चौकी पर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आगे की जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है 16 इत्यादि की वो प्रक्रिया आगे की जाए।